देखिए, हम लोगों ने हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व का जो मुद्दा है, जो हिंदुत्व के विचार हैं, उनकी भूमिका है, उसे आगे ले जाने का फैसला हम लोगों ने किया है। जो महाविकास आघाड़ी में हमारे लगभग देखो 50 MLA हो गए, 40 और 10 सहयोगी, ऐसे 50 MLA एक साथ में अगर ऐसी भूमिका लेते हैं तो इसका कुछ बड़ा कारण होगा। ऐसे छोटे मोटे कारण से ऐसा कोई बड़ा डिसीजन कोई लेता नहीं। आज एक सर्वसाधारण अगर कॉरपोरेटर, एक पार्षद भी ऐसा डिसीजन लेता नहीं, तो ये 50 MLA ऐसा डिसीजन, ऐसी भूमिका क्यों लेते हैं? इसका कुछ रीजन है, इसका विचार करने की आवश्यकता थी। लेकिन हम लोगों ने जब शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था 2019 में, लेकिन सरकार बन गई कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, और इसके वजह से हिंदुत्व की बात, जब जब हिंदुत्व के मुद्दे आए, सावरकर जी का मुद्दा आया और कई मुद्दे आए, मुंबई बॉम्बलास्ट का मुद्दा आया, दाऊद का मुद्दा आया, और भी कई मुद्दे जब आते थे, तो हम कुछ भी निर्णय ले पाने नहीं ले पा रहे थे। और इसलिए, और दूसरी बात है, जो हमारे 40-50 विधायक जो हैं, उनके चुनाव क्षेत्र में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा था, क्योंकि अन्य जो हमारे घटक पक्ष है, वो उनको जो वहाँ पर उनके सामने जो इनकी जो पराजित हुए थे, उनको उनकी ताकत बढ़ाने का काम अन्य घटक पक्ष कर रहे थे। और दूसरी बात, जब हम लोग चुनाव में जीतते हैं तो हमारे चुनाव क्षेत्र के जो मतदाता हैं, उनकी अपेक्षा होती है डेवलपमेंट होना चाहिए, पानी चाहिए, रास्ते चाहिए, जितने भी मूलभूत जो काम है डेवलपमेंट के, वो अपेक्षा रहती थी। लेकिन हमारे MLA जो है, विधायक जो है, वो नहीं कर पा रहे थे, फंड की कमी थी और बाकी सब समस्या थी। और इसलिए हम लोगों ने कई बार हमारे वरिष्ठ जो है उनसे बातचीत की इसके बारे में कि हम इसमें करेक्शन करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को उसमें कामयाबी नहीं हासिल हुई और हम उसमें सफल नहीं हुए, दुर्भाग्यवश। और इसलिए ये भूमिका हमारे 40-50 विधायकों ने ली। सर, अब सरकार बन गई, लेकिन यहाँ से मामला अभी भी अदालत में है, निर्वाचन आयोग तक भी शायद बात जाएगी, विधान भवन और बाकी जगहों पे चर्चा हो चुकी है पहले ही, तो आने वाला रास्ता भी बहुत आसान नहीं होगा, काफी पार्टी स्तर पे देखा जाए तो। नहीं, देखिए, हम लोग कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। इस देश में लोकशाही में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, उसके मुताबिक ही काम करना पड़ता है। और आज हमारे पास मेजोरिटी है, जितनी 2/3 लगती है उससे ज़्यादा है, और इसलिए जो निर्णय हम लोगों ने लिया है वो बिल्कुल लीगल है, वैलिड है, और स्पीकर ने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है। और लड़ाई जो कानून की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बारे में भी जब लोग हमारे खिलाफ कोर्ट में गए थे, उनको भी कोर्ट ने डांटा है, फटकारा है, तो निश्चित रूप से हम लोग कोई भी गैर कानूनी काम किया नहीं है, और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कोर्ट निर्णय लेगा। फ्लोर टेस्ट हो गई है, स्पीकर का चुनाव हो गया है, सरकार विश्वास दर्शक मत पारित हुआ है, और लोकशाही में जो जो करना है वो कर लिया है। अभी ये सरकार 170 विधायक वाली सरकार है, मजबूत सरकार है, ये सरकार लोगों को न्याय देगी। ये आम आदमी, मतलब जो मानुष, सर्वसामान्य जो मानुष कहते हैं, उसकी सरकार है ये, सभी लोगों को न्याय दिलाने वाली सरकार है। इसमें किसान है, कामगार है, कष्टकारी है, सभी जितने भी समाज घटक हैं उनको न्याय देगी सरकार। सर, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, पहला आश्चर्य ये था देवेंद्र जी के लिए, ये आश्चर्य हमारे लिए तो था, लेकिन आपके लिए ये चीजें कब साफ हुई, कब आपको पता लगा कि ये होने देखिए, जा रहा है? सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, पब्लिक में ऐसा ही परसेप्शन था कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये सत्ता के लिए कुछ भी करती है। लेकिन उन्होंने बता दिया है सभी देशवासियों को कि ये 50 लोगों ने एक हिंदुत्व की भूमिका ली है, एक वैचारिक भूमिका ली है, और इनका एजेंडा जो है डेवलपमेंट का है, हिंदुत्व का है, तो इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और
उन्होंने हमको सपोर्ट किया, उनके पास ज़्यादा संख्या और ज़्यादा विधायक होने के बावजूद। और आप जानते हो कि हमें तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने मुझे ये भी कहा, इस राज्य को आगे बढ़ाओ, राज्य को विकास की ओर ले जाओ, इस राज्य राज्य में जितने भी डेवलपमेंट के प्रकल्प है वो करो, केंद्र सरकार और मैं खुद आपके पूरे पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो ये सबसे बड़ी बात है, और केंद्र सरकार भी साथ में है, और हम लोगों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जो प्री पोल अलायंस जो हुई थी शिवसेना और भाजपा की, हम वही पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं। सर कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात कही थी कि आने वाले चुनाव में 200 सीटों का लक्ष्य रहेगा भाजपा और शिवसेना जीती का, तो आपके पास फिलहाल जो विधायक हैं 40 के अगर दिखे तो 80 या 50 कम से कम डबल करना पड़ेगा। नहीं, तो क्यों ऐसे डबल करना है, हमारे पास अभी 170 है दोनों मिला के, तो खाली संख्या कितनी 30 ही बचे, 200 से ज्यादा आ सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल, आज पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात वहाँ पे कही कि पहले हमारी सरकार को तीन पहिए की सरकार कहा जाता था, आज तीन पहिए वाले ड्राइवर को सरकार चलाने दे दिया है, कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं इशारा आपकी तरफ था आपके शुरुआती प्रश्न। मैंने कहा है उस पर, वो रिक्शा मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, रिक्शा ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये सरकार जो है ये सर्व सामान्य लोगों के लिए सरकार है, ये समाज के हर घटक को न्याय दिलाने वाली सरकार है। और देखिए, हम लोग ऐसा काम करेंगे कि ये सरकार हर एक घटक को, हर एक व्यक्ति को लगे कि ये मेरी सरकार है, ये मेरे लिए काम करेगी, ये फर्क होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे देवेंद्र जी जो है वो बड़े दिल से उप मुख्यमंत्री बन गए, उनको भी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन पार्टी का आदेश आता है तो पार्टी का आदेश मानते हो, और मेरे जैसे बाला साहेब और आनंद दिघे साहब के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पे बिठा दिया, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का और भारतीय जनता पक्ष के प्रमुख जो है अध्यक्ष नड्डा जी का कल ही मैं उनको धन्यवाद दिया है, आज भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया है और दिल लोगों को जो परसेप्शन था वो पूरी तरह बदल दिया है, चेंज कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, एक विचारधारा के लिए भी पार्टी है। कैबिनेट का स्वरूप कब क्या होगा, कब तक चलेगा? अभी बात होगी जल्दी, वो भी सब निर्णय होगा। सर एक और सवाल जानना चाहिए, जिस तरह से ओवरऑल जो सिनेरियो चल रहा था, क्या आपने कभी उद्धव ठाकरे जी से बात की थी विषय में कि आप हमारे साथ आइए, क्योंकि हालांकि आप लगातार जिस तरह से बातें कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे के जाने से पहले किसी तरह की चर्चा उद्धव ठाकरे से आपकी हो पाई थी? हमने कई बार चर्चा की ना मैंने, कि ये जो महाविकास आघाड़ी में हम बैठे हैं उससे हमें फायदा नहीं है, हमें नुकसान है, हमारे MLA चिंतित है कल चुनाव कैसे लड़े, कैसे जीते। हम नगर पंचायत में 4 नंबर पे गए, मुख्यमंत्री होने के बावजूद पार्टी 4 नंबर पे जाती है, इसका मतलब जो सरकार का फायदा कौन उठा रहा है? शिवसेना को नहीं हो रहा है, अन्य घटक पक्ष को हो रहा है, हमारे शिवसैनिक को हो रहा है? नहीं हो रहा है। शिवसैनिक के जीवन में क्या मिला, उनको क्या मिला? पार्टी सत्ता होने के बावजूद मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। उनके ऊपर अन्याय हो गया, उनके ऊपर झूठी केसेस डालने, उनको तड़ीपार होना पड़ा, उनको मौका जैसे कार्रवाई को फेस करना पड़ा। तो सरकार किस लिए है? जब सत्ता होती है तो जैसे शिवसेना है, शिवसैनिक है, उनको न्याय देना चाहिए, उनको खुद के बलबूते पे खड़ा होने के लिए ताकत सरकार से देनी चाहिए थे ले उनके, लेकिन जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया, बल्कि उनको नुकसान हुआ है, उनके ऊपर अन्याय हुआ है। आपने मनाने की कोशिश की उद्धव ठाकरे जी को, पूरे माहौल में नहीं, हमारी